कि लोग यहाँ खुले दिल से बगैर पैसा लिए हुए महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज का दौर जो स्वास्थ्य का दौर चल रहा है उसमें किस तरह के संगठन पूरे बिहार में हम समझते हैं कि ये पहला संगठन होगा। आशीष कुमार सिन्हा जी यहाँ बैठे हुए हैं और विगत वर्षों से समाज सेवा में लगे हुए हैं और जनता ने अपना प्रतिनिधि इनको बनाया। मैं तो आया था सुनने के लिए और हमको काफी खुशी है कि आज मुझको ऐसे पवित्र कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला है। मैं चाहता हूँ जो पहले पढ़ाई तब कमाई, अभी का दौर चल रहा है, लोग कहते हैं कि कैसे पैसा कमाओ तभी तुमको वैल्यू मिलेगा और जब पैसा नहीं कमाएगा तो तुमको वैल्यू नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अभी हमारा एक वक्ता महिलाओं को पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए बोल रहे थे, तो पढ़ाई लिखाई में पैसा नहीं लगता है, थोड़ा सा मन विकास को खुश रखना पड़ेगा। और हमारी जो महिलाएं हैं, घर की महिलाएं जो काम काज में व्यस्त रहती है, 4 बजे भोर से 1 बजे दिन तक मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ और मैंने महसूस किया है कि कोई भी महिला जो गृहिणी है 4 बजे भोर में उठती है और बच्चों को स्कूल भेजना है और नाश्ता बनाना है और जल्दी तैयार होना है, फिर खाना बनाना है, किसी को ड्यूटी जाना है, तो 1 बजे के बाद महिलाओं को फुर्सत मिलता है और महिलाएं जो काम करती हैं उसका निर्धारण भी उनको नहीं मिलता है।